नमस्कार, आप देख रहे हैं CNE न्यूज़ अल्मोड़ा। अल्मोड़ा की जनता को पेयजल किल्लत से निजात दिलाने को लेकर करोड़ों की लागत से बना इंटकवेल महज एक शोपीस बनकर रह गया है। इस मुद्दे को लेकर इन दिनों राजनीति बहुत गर्मा गई है। कांग्रेस ने मामले की जांच SIT से कराने की मांग को लेकर आज कांग्रेस नगर कमेटी के बैनर तले इंटकवेल के समीप धरना दिया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हम सभी कांग्रेस जन आज एकजुट होकर प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं कि इस इंटकवेल के निर्माण जो भी खामियां हुई है इसकी SIT जांच शीघ्र की जाए। अगर इसकी SIT जांच नहीं की जाती है तो समस्त अल्मोड़े में पानी के सुचारू रूप से व्यवस्थित हो सके, पानी मिल सके, इस भावना से पिछली कांग्रेस सरकार के द्वारा कोसी में बैराज का निर्माण किया गया, कराया गया और इंटेगवल की स्वीकृति दी गई थी। ये इंटेगवल जब से बना है लगातार इसकी जांच का विषय, जांच की मांग यहाँ की गई है। आज तक वो जांच न तो की गई न उस जांच को कोई सार्वजनिक किया गया है। कांग्रेस की मांग है कि सुचारू रूप से अल्मोड़े को पानी दिया जाए और जो जांच का विषय बना था इंटेगवल और निर्माण कार्य उसकी जांच करके सार्वजनिक किया जाए, जिससे सही चीज पता चल सके कि जो सरकार ने जो पैसा ये निर्माण के लिए पानी के लिए दिया था उसका कितना सदुपयोग हुआ है। ये मांग कांग्रेस जन आज के लिए कोसी इंटेगवल के पास धरना प्रदर्शन करने किया है। कई साल पूर्व यहाँ अल्मोड़े के शहर को पानी की बड़ी किल्लत हुआ करती थी और पूर्व की सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत जी की सरकार और यहाँ के माननीय विधायक मनोज तिवारी जी द्वारा इस नदी में इंटेकवेल बनाकर उसके लिए पैसा जो आवंटन किया था 10-12 करोड़ रुपया आवंटन किया था और वो उस समय 2016 में आवंटन किया गया। उसके बाद ये नई सरकार आ गई जिनने ये इंटेकवेल का निर्माण किया। इस इंटेकवेल में इतनी खामियां पाई गई हैं, इसमें लीकेज की पता लगा है, लीकेज है और ये पता नहीं इंटेकवेल बना है, रॉ वाटर बना है, ये पता ही नहीं, ये टैंक पानी का बना है, इसका कंफ्यूजन बहुत चीजें चल रही है। और हमारा प्रदेश सरकार से मांग है इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो और ये स्पष्ट पता लगे कि इंटेकवेल है, रॉ वाटर है, ये पानी का टैंक है, क्या है, इस पर स्पष्टीकरण मिले और उच्च स्तरीय जाँच हो और इसका सभी अल्मोड़ा के शहर को पानी प्राप्त हो पाए। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट